नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं पीएनबी की यानी पंजाब नेशनल बैंक की। 2.14% के आसपास की रैली आ जाई है, 52 वीक हाई स्टॉक ने लगा दिया है, जो हमारा टारगेट था। लगातार तीसरा टारगेट हमारा पूरा हुआ है आज के दिन में। ऑलमोस्ट 90 रुपीज का टारगेट था, बट ऑलमोस्ट आपका 90 रुपीज पहुंच भी गया है, कल तक पहुंच जाएगा तीसरा टारगेट। पहला टारगेट 60 रुपीज के आसपास का था, 74 का दूसरा टारगेट था हमारा और 90 रुपीज का तीसरा टारगेट था। आप मेरी वीडियोस को उठा करके देख सकते हैं, लगातार मैंने इसके टारगेट दिए हैं, लगातार मैंने इसके ऊपर वीडियो किया है, कवर किया है। आज हम बात करेंगे कि नेक्स्ट टारगेट आपका क्या हो सकता है स्टॉक में, क्या अभी भी आपको बाय करना चाहिए, वॉल्यूम क्या आ रहा है, खबर क्या है, फाइनेंशियल्स कैसे हैं, लंबे समय के लिए जाएं, शॉर्ट टर्म के लिए जाएं या मिड टर्म के लिए जाएं, खरीदारी करने का टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए, कितना वॉल्यूम में लेकर के चलें और बेचना कब है, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्योंकि आपको खरीदने से पहले पता होना चाहिए कि मेरी स्ट्रेटजी क्या होगी, लोअर कहां तक जाएगा तो मैं बेच दूंगा या अपर कहां तक जाएगा तो मैं बेच दूंगा, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें पीएनबी की, पीएनबी में इस समय काफी बड़ी खबरें आ रही हैं, खबरों की चर्चा करें उससे पहले चार्ट पे एक नजर डाल लेते हैं। देखिए चार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, लगातार स्टॉक ने अपने हाइयर हाईस को बना ले रखा है, 52 वीक हाई आज भी लगाया है, तो 52 वीक हाई लगते ही यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कहीं नहीं कहीं स्टॉक आपका काफी स्ट्रॉन्ग हो जाता है और यहाँ पर जो बायर्स हैं वो अच्छी खासी खरीदारी यहाँ पे कर भी रहे हैं। चार्ट में अगर आप देखें तो मैग्डी आपका स्ट्रॉन्गली बुल रन में है, आरएसआई आपका स्ट्रॉन्गली बुल रन में, 76 के आसपास पहुंचा, यानी खरीदारी करने वाले जोन में स्टॉक आपका ऑलरेडी पहुंच चुका है। 90 रुपीज का टारगेट आज हमारा हिट हुआ है, तीसरा टारगेट हमारा हिट हुआ है, तो नेक्स्ट टारगेट की भी बात हम यहाँ पे करने वाले हैं। अभी के लिए अगर आप देखें तो फाइनेंशियल स्पेस के नजर डाल लेते हैं एक बार, तो नीचे आएंगे अगर आप तो फाइनेंशियल्स ठीक ठाक है कंपनी के, कंपनी लगातार ग्रो हुई है, एनपीए अपना कम किया है, साथ में अगर आप देखेंगे 29,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है, मार्जिन कंपनी ने इंप्रूव किया, 23.33% के आसपास का मार्जिन है। बैंकिंग सेक्टर में मार्जिन थोड़ा सा अच्छा हो सकता है, बट इनका जो डेट है वो काफी हाई है, साथ में अगर आप देखेंगे तो एनपीए थोड़ा सा ज्यादा है कंपेयर टू अदर बैंक्स, तो वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में क्रिएट करता है। इस पॉइंट पर अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं जो कंपनी है वो लगातार अपने एनपीए को कम करे, ग्रॉस एनपीए अगर आप देखेंगे तो कम हुआ है लगातार, 7% के करीब में इनका ग्रॉस एनपीए बचा हुआ है, और नेट एनपीए की अगर आप बात करें तो पिछले क्वार्टर में 1.98% था, इस बार घट करके 1.47% सिर्फ रह गया है बस, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग जोन में है, काफी स्ट्रॉन्गली ये अपने एनपीए को मैनेज कर रही है, डेट को मैनेज कर रही है। ऐसे में कंपनी एफआईआई की नजर में भी है, म्यूचुअल फंड के भी नजर में है और लगातार यहाँ पे खरीदारी हो भी रही है। एफआईआई ने अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया है, म्यूचुअल फंड अगर आप देखेंगे तो अपने स्टेक को बढ़ाया है, यहाँ पे लगातार अगर आप देखें तो कंपनी में एफआईआई का इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है, जो कि एक पॉजिटिव खबर है, और यही कारण है कि स्टॉक अपने नए 52 वीक हाईज हायर हाईज लगा रहा है, और ऐसे में आपको भी अपनी खरीदारी को लेकर के यहाँ पर अच्छी स्ट्रेटजी को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक अभी भी स्ट्रांगली स्ट्रांग जोन में है, बाइंग जोन में है, ऐसे में खरीदारी करने के बारे में आपको यहाँ पर सोचना चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दोनों ही खबरें अच्छी हैं और मुझे लगता है कि इससे ज्यादा आपको चाहिए नहीं कुछ भी किसी भी स्टॉक में जिसमें एफआईआई का इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा हो, लगातार स्टॉक आपको अच्छा पैसा दे रहा हो, लगातार एनपीए कम हो रहा हो, फाइनेंशियल असेट्स भी अगर आप देखेंगे कंपनी ने इंप्रूव करा है। 8 दिसंबर की बात करें, 8 दिसंबर डेली एवरेज यहाँ पे 30% के आसपास का, वीकली अगर आप देखेंगे 30%, यानी कि डिलीवरी काफी हो रही है, जितने स्टॉक्स ट्रेड हो रहे हैं उसका 30% लोग लॉन्ग टर्म के लिए खरीद भी रहे हैं, रख रहे हैं यहाँ पे, ये एक पॉजिटिव खबर आपके लिए दूसरी है। अब बात करें टारगेट की, यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्टॉक आपका हायर हाईज लगा रहा है, पहला जो टारगेट रहेगा 96 से 100 रुपीज के आसपास का रहेगा, 98 का जोन आपका यहाँ पर रहेगा, ये जोन मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 100 रुपीज एक साइकोलॉजिकल मार्क भी है, 100 जब क्रॉस करेगा तो उस टाइम पे वोलेटिलिटी बढ़ेगी, बहुत सारा बिकवाली आएगी वहां पे, तो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए लगा रहे हैं तो ये टारगेट आप लिख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आप कर सकते हैं। 100 या साइकोलॉजिकल मार्क कोई भी होता है, जैसे 100 हो गया या 150-200 हो गया, जैसे अभी निफ्टी ने 20,000 लगाया तो उसके बाद तेजी से गिरावट वहां पर देखने को मिली, वैसे ही 100 रुपीज पीएनबी के केस में एक साइकोलॉजिकल मार्क है, जब 100 क्रॉस करेगा और उसके ऊपर 2 से 3 दिन अगर बना रहता है तो तेजी आ सकती है वहां पे, बट जब भी इस तरह के साइकोलॉजिकल मार्क अटेन करता है तो बहुत ज्यादा बार बिकवाली का माहौल देखने को मिला है, ऐसे में आपका जो टारगेट होना चाहिए वो उसके करीब में होना चाहिए, 96 से 98 आप अपना टारगेट रखें, यहाँ पर थोड़ा सा अपने प्रॉफिट को बुक करें और उसके बाद आगे बढ़ें। दूसरी बात, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हैं तो बिल्कुल आप लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हैं, बेचने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग और कंपनी जो है उसका जो प्रीवियस हाई रहा है वो 300 तक भी ट्रेड की है कंपनी, तो ये अपना जो प्रीवियस हाई कंपनी का रहा है, ऑल टाइम हाई जिसे कहा जाता है, वहां तक कंपनी पहुंचेगी। अगर इस कंपनी में स्कैम ना हुआ होता तो शायद ये कंपनी आज भी एक स्ट्रांगली एसबीआई की तरह ट्रेड कर रही होती, बट हाँ स्कैम्स वगैरह हुए उसकी वजह से थोड़ी नीचे जरूर गिरी है, वहां वो अपनी डायरेक्शन को जरूर अटेन करेगी, तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हैं तो इस मार्क के लिए भी वेट कर सकते हैं। बाकी मेरी राय यही रहेगी अगर शॉर्ट टर्म के लिए जा रहे हैं तो 96 से 98 पहला टारगेट रहेगा, 114 का दूसरा टारगेट आप यहाँ पर रख सकते हैं।
अभी के लिए खरीदारी करनी है या नहीं, बिल्कुल खरीदारी करने वाले जोन में स्टॉक आपका बना हुआ है, प्रीवियस हाई ब्रेक किया है रिसेंटली, यहाँ से स्टॉक आपको स्ट्रांगली एक अच्छा खासा प्राइस दे सकता है। बट हाँ, एक और चीज, किसी भी वीडियो को देख करके स्टॉक में मतलब स्टॉक मार्केट से संबंधित यूट्यूब पर, पूरे यूट्यूब पर या फिर किसी वेबसाइट पर पढ़ करके आपको अपने फाइनेंशियल डिसीजन नहीं लेने चाहिए, काफी ज्यादा रिस्की हो सकता है। इसलिए मैं बोलूंगा कि खुद इसको एनालाइज करें, कॉन्फिडेंस जब मिलता है तभी बाय करें, अदरवाइज बाय ना करें ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि वोलेटिलिटी आएगी तो मुझे पता है कि मुझे क्यों स्टे करना है, आपको नहीं पता है। अगर आप ना अपना रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ मुझे ये पॉइंट स्ट्रांग लगते हैं और मुझे इसलिए यहाँ पर रुकना है। अगर आप अपना रीजन बना रहे हैं तो यहाँ पर इस स्टॉक को अच्छे से एनालाइज करें, उसके बाद ही कंपनी को बाय करें, ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी जिन लोगों ने बाय कर रखा है वो लोग होल्ड करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लास्ट कॉल ऑलवेज बी योर्स, वीडियो को हम यही खत्म करेंगे। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट पेज कौन मिलेगा पूछना हो तो। थैंक यू।